सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पेडागोजी का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पांचवा जो लेसन है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बच्चे से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो वहाँ पूछी ही जाएंगी, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो स्टूडेंट से, चाइल्ड से एक टीचर का रिलेशन तो रहता ही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ से सी टेट या कोई भी अदर स्टेट टेट है, PRT, TGT, PGT, इन सब एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, किसकी दी हुई थ्योरी है, इसके बारे में पहले डिस्कस करना पड़ेगा हमें। देखिए फ्रेंड्स, बाल केंद्रित जो शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, इसकी थ्योरी हमें किसने दी है और ये होती क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और चाइल्ड सेंटर्ड कैसे होती है, ये सब हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जॉन डेवी वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जॉन डेवी जो थे वो बहुत बड़े सपोर्टर थे, इसके समर्थक थे, किसके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, जो एक बालक को केंद्रित करके शिक्षा प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा जिसे हम कहते हैं, उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे जॉन डेवी। ठीक है, इस एजुकेशन में होता क्या है वो देखिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज वन इन विच चाइल्ड इज द फोकस एंड एजुकेशन इज गिविंग अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड कैपेबिलिटीज। तो इस एजुकेशन में क्या होता है, देखिए, चाइल्ड पर फोकस किया जाता है और उसको जो शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड कैपेबिलिटीज, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं और जो उसकी क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज उसकी क्षमताएं, योग्यताएं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड्स इंटरेस्ट इंडिकेशंस एंड एबिलिटीज आर कैप्ट इन माइंड वाइल फ्रेमिंग ए करिकुलम। और इसमें उसके इंटरेस्ट को, उसके इंडिकेशंस को, उसकी रुचियों को, उसकी प्रवृत्तियों को, उसकी एबिलिटीज, उसकी योग्यताओं को, ठीक है, इन सब को ध्यान में रखा जाता है जब भी कोई हम करिकुलम फ्रेम करते हैं या उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। व्हेन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज गिवन इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। और जब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चे को दी जाती है तो इसे बहुत ज़्यादा रुचिकर बनाया जाता है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चे को शिक्षा दी जाती है। बट इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन जो टाइम था हमारा, उसमें क्या था फ्रेंड्स, जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी, दिस वाज नॉट इंटरेस्टिंग, इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रहता था, उसे नीरस, बोरिंग समझा जाता था। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है वो भी देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, दिस सब्जेक्ट मैटर अपीयर्स टू मच मोर सिंपल ईजी व्हेन टॉट बाय चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। मच मोर सिंपल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है जब चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, विषय वस्तु सरल हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, द सब्जेक्ट मैटर इज मोर इंटरेस्टिंग व्हेन टॉट बाय चाइल्ड सेंटर्ड। और मोर इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत ज़्यादा रुचिकर हो जाता है अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मेथड को हम यूज करते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, विषय वस्तु होती है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मोर इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चों के लिए रुचिपूर्ण हो जाता है। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड एंड दिस इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। अगर चाइल्ड सेंटर्ड करके एजुकेशन दी जाती है तो एजुकेशन की वैल्यू बढ़ जाती है।
और क्या इंपॉर्टेंस होती है फ्रेंड्स देखिए, द चिल्ड्रन आर गिवन बिहेवियरल एंड सोशल एजुकेशन इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें बच्चों को बिहेवियरल व्यवहारिक एंड सोशल एजुकेशन और सामाजिक शिक्षा ये दोनों भी प्रदान की जाती है। बच्चों को व्यवहारिक और सामाजिक दोनों तरह का ज्ञान चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में दिया जाता है। और मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो देखिए, द एजुकेशन बीइंग चाइल्ड सेंटर्ड, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हम यूज करते हैं, देयर इज मोर स्कोप ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन बाय द चाइल्ड। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का जो स्कोप होता है बच्चे के लिए वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुद की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएगा। अगर बच्चे को हम इम्पोर्टेंस देकर टीचिंग कराते हैं तो एक बालक में आत्म अभिव्यक्ति की जो भावना होती है, उसकी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की जो फीलिंग होती है वो इंक्रीज होती है, उसको अवसर मिलते हैं, स्कोप मिलता है। और हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए ही शिक्षा उनको दे रहे हैं। अगर उन्हीं की रुचियों, क्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनके इंटरेस्ट को अगर नहीं देखेंगे तो वो एजुकेशन वैल्यूलेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, द नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज आर मेन इम्पोर्टेंस इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कि जो बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो योग्यताएं होती हैं, उनको मेन इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तभी हम इसको एक प्रगतिशील शिक्षा मानते हैं, क्योंकि एक बाल केंद्रित शिक्षा है, बालकों के लिए शिक्षा है, न कि शिक्षा के लिए बालक हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने ये समझ लिया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो हमने जान लिया। अब इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो भी आप देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखिएगा। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, इसे हम क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए, टीचर कीप्स द चाइल्ड बिजी ऑल द टाइम। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे को हमेशा हर वक्त के लिए उसको बिजी रखते हैं, क्रियाशील रखते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चों की जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, जो उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, उसका डेवलप होता है, ठीक है, वो डेवलप करती है, विकास होता है उसका। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, एज ए रिजल्ट चाइल्ड इज एक्टिव ऑल द टाइम। इसका रिजल्ट ये रहता है कि बालक है जो वो निठल्ला नहीं रहता है, लेजी नहीं रहता है, वो हर समय एक्टिव रहता है, उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसकी सेंसेस सब एक्टिव रहती हैं। इसलिए हम इसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस कहते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड गोल, जो फिक्स्ड गोल होते हैं, जो हमारे उद्देश्य निश्चित होते हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट ए गोल इज फिक्स्ड, पहले एक गोल को फिक्स कर लिया जाता है, एंड देन द स्टूडेंट्स डू डिफरेंट एक्टिविटीज कीपिंग दैट गोल इन माइंड। और उस गोल को माइंड में रखते हुए ही बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं। मतलब एक उद्देश्य का निर्धारण कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों की एक्टिविटीज होती हैं, स्टूडेंट्स जो अपनी क्रियाएँ करते हैं तो वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही करते हैं। थर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कहेंगे रुचि का सिद्धांत। इसमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन दी जाती है, इसलिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, सो ए टीचर शुड मेक द एजुकेशन इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग डिफरेंट वेज। इसलिए उसको अलग अलग तरीके अपनाकर एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर एजुकेशन ले सकें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या रहता है, टीचिंग शुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, हमारी जो टीचिंग होती है उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए ही आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज, क्योंकि जो अलग अलग बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह की, उनके अंदर योग्यताएं, क्षमताएं, इंटरेस्ट सब डिफरेंट होता है। इफ ऑल आर टॉट इन सेम वे, अगर हम एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो एजुकेशन विल बी एट बैक फुट एंड चिल्ड्रन विल सफ़र, तो बच्चे पिछड़ जाएंगे और एजुकेशन है वो बैकफुट पे चली जाएगी। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। एजुकेशन शुड बी लिंक्ड टू डेली लाइफ,
जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसे हमारी डेली लाइफ से लिंक्ड होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। और टीचर को क्या करना चाहिए? द टीचर शुड टेक सच एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण में वो ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर आए जो बालक की डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो उनकी डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड होती हैं, ऐसी एक्टिविटी से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स के द्वारा एक टीचर को बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इसे हम कहेंगे प्रेरणा का सिद्धांत। एक टीचर को बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। मोटिवेशन करने से क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज होती है बालक की कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इससे क्या होता है, टीचिंग बिकम्स डबल इफेक्टिव। जो टीचिंग होती है वो डबल इफेक्टिव हो जाती है, मतलब दो गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो इसलिए एक टीचर को बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए, बाय रिपीटिंग ए थिंग अगेन एंड अगेन द सब्जेक्ट नॉलेज बिकम्स स्टेबल। अगर किसी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है, बार बार उसकी आवृत्ति रहती है, तो वो नॉलेज है जो स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसलिए जो सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु होती है, उसे बार बार रिपीट करते रहना चाहिए, मैनी टाइम्स, कई बार उसे रिपीट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझा, उसकी इम्पोर्टेंस को जाना और उसके प्रिंसिपल्स को जाना। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके प्रिंसिपल और जो RTE है, हमारा राइट टू एजुकेशन, RTE की इम्पोर्टेंस, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, एम्स, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते जाइएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।